आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अखिल भारतीय रेलवे जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का शानदार प्रदर्शन रहा। एनसीआर महाप्रबंधक ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। 49वीं अखिल भारतीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन एकलव्य स्टेडियम में हो गया। समापन के मौके पर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी मौजूद थे। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी और मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस के चलते सभी खिलाड़ियों से हाथ जोड़कर परिचय प्राप्त किया गया। इसके उपरांत जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी गदगद नजर आए। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे नन्हे जिम्नास्ट खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन था। जिम्नास्ट खिलाड़ियों ने भी सभी को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। इसके उपरांत उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक राजीव चौधरी और उनकी धर्मपत्नी ने जिम्नास्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उत्तर मध्य रेलवे के आशीष कन्नौजिया ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की प्रीति नायक का भी शानदार प्रदर्शन रहा। अर्जुन अवार्डी आशीष कन्नौजिया और एशियन पदक विजेता प्रीति नायक का कहना था कि खेल शानदार रहा। इस इंटर रेलवे के लिए हम लोगों का कैंप लगवाया गया था हैदराबाद में, त्रिपुरा में, और वहाँ पे हमारा कोच था राकेश देवनाथ मैडम। अच्छा ट्रेनिंग हुआ और जैसे यहाँ पे आके अच्छा प्रैक्टिस की वजह से कॉम्पिटिशन भी अच्छा हुआ। और हमारे साथ हमारे रेलवे का CLW का मैडम भी है, सोनाली मैडम हमारा कोच है टीम के, तो उनके सपोर्ट था, अच्छा था। मैं फर्स्ट आई वॉल्ट में और बीम पे और बार पे। नहीं, प्रदर्शन बहुत अच्छा था। मैंने 3 इवेंट में भाग लिया था और 3 में मेरा 2 गोल्ड 1 सिल्वर था। बाकी ओवरऑल हमारी टीम का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। हमारी टीम आपने देखा फर्स्ट आई है और आई थिंक वॉल्टिंग छोड़ के सारे गोल्ड हमारी टीम के पास आए हुए हैं। उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने पुरस्कार बांटने के बाद सभी को धन्यवाद भी दिया। उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक राजीव चौधरी का कहना था कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। NCR हमारी अपनी रेलवे की टीम सर्वप्रथम आई है, उसकी वजह है कि एक वहाँ पर स्कूल है जहाँ पे एक बुज़ुर्ग प्रिंसिपल साहब जिमनास्ट के प्रति बहुत प्रेम रखते हुए वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देते रहते हैं, कोर्सेज चलाते हैं। हमारे कर्मचारी भी स्पोर्ट्स कोटे के लोग भी वहाँ खेल के आते हैं, वहाँ से निकल के स्पोर्ट्स कोटे में सेलेक्ट भी होते हैं। तो NCR आज फर्स्ट आई है और सभी लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगरा मंडल जो हमारा रेलवे का एक तीसरा मंडल है और पहले नंबर पर आता है, उन्होंने इसको सफल आयोजन में काफी मेहनत से काम किया। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि आगरा रेल मंडल को मेजबानी मिली थी, शानदार तरीके से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सफलता के लिए मंडल रेल प्रबंधक ने सभी का आभार जताया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा ये 49वीं रेलवे जिम्नास्ट प्रतियोगिता थी। इसका हम लोगों ने 4 से लेकर 6 तारीख तक आयोजन किया, आज उसका समापन है। हम महाप्रबंधक महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों के द्वारा जो इंतजाम किया था उसकी सराहना की, और जो यहाँ पर खिलाड़ी थे उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया और खेल भावना का परिचय दिया। उत्तर मध्य रेलवे अखिल भारतीय रेलवे जिम्नास्टिक प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा था, जिसमें आगरा रेल मंडल का महत्वपूर्ण योगदान था। आगरा रेल मंडल के अधीन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता हुई। समापन के मौके पर कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राकेश कन्हौजिया, सी न्यूज़, आगरा।